हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में बिहार शिक्षक भर्ती के हिंदी सिलेबस को हम कवर करेंगे इस मैराथन के थ्रू। तो 75 नंबर की हिंदी के लिए हम कई मैराथन लेकर आएंगे, जिसमें सारे विषयों पर हम कुछ प्रश्न करेंगे जिससे हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाएं। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ट। जब हम पा को बोलते हैं तो हमारे दोनों होठ आपस में मिलते हैं, तो इससे हमारे होठों के द्वारा पा वर्ग का उच्चारण होता है। नेक्स्ट है चावर्ग। चावर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। नेक्स्ट है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, जिसमें हमारे सारे वर्ण का से लेकर के सॉरी आ से लेकर ज्ञा तक जो एक व्यवस्थित क्रम में रखे गए हैं, ये हमारे सारे वर्ण हैं, इनके समूहों को हम वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है छा, त्रा और ग्या, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? छा, त्रा और ग्या ये तीनों हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो हमारा पहला छा है वो का और षटकोट वाली सा, जो हमारे मूर्धन से उसका उच्चारण स्थान होता है, तो का और शा के मेल से छा बनता है, ता और रा के मेल से त्रा बनता है, जा और इया के मेल से ज्ञा बनता है। तो ये हमारे तीनों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें आप अपने एक कॉपी पेन उठाइए, उसमें वन लाइनर प्रश्नों की तरह इसको उसमें लिखते जाइए, ताकि ये हमारे पेपर में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा प्रश्न हैं। नेक्स्ट है नवयुवक। नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक में कौन सा समास है? तो ये हमारा कर्मधारय समास है। नव युवक, नया है जो युवक, ये हमारी युवक की विशेषता बता रहा है। तो जिसमें जो विशेषता बताने वाले होते हैं उन्हें हम कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में हमारा अव्ययी भाव समास है, जो हमारे उपसर्ग से बनते हैं। देशभक्ति। देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। इसका समास विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति, यानी कि हमारा इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है रसगुल्ले में मिठास अधिक है, मिठास का विशेषण बताइए। तो मिठास बनी है मीठा से, तो इसका विशेषण हुआ मीठा। नेक्स्ट है दोपहर कौन सा समास है? फ्रेंड्स, जिन शब्दों का पहला पद संख्यावाचक होता है वह हमारे द्विगु समास कहलाते हैं, यानी कि दोपहर, दो पहरों का समूह दोपहर। नेक्स्ट है मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा मतलब इसमें मैं आज ये कार्य नहीं करूंगा, इसमें मैं अपनी इच्छा बता रहा हूँ कि मुझे ये नहीं करना है, मैं ये मना कर रहा हूँ, तो इसे हम निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक। इसमें संकेत कर रहा है कि अगर ये तुम काम करोगे तो मैं करूंगा, तो ये हमारा क्या हो गया? संकेतवाचक। नेक्स्ट है, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? जैसे मैं कोई अपनी इच्छा प्रकट कर रही हूँ कि तुम ये अपने काम में सफल रहो, ये मेरी इच्छा है, तो इसे हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। नेक्स्ट है, रस भरा। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा, ये तो हमें पता है कि ये तत्पुरुष समास है, पर ये कौन सा तत्पुरुष समास है इसे, यानी कि रस से भरा, तो ये हमारा हो जाएगा करण तत्पुरुष। नेक्स्ट है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? ये भी हमारा तत्पुरुष समास है, पर ये हमारे तत्पुरुष समास की कौन सी श्रेणी में आता है? स्वर्ग प्राप्त, यानी कि स्वर्ग को प्राप्त। कर्म तत्पुरुष का हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट है, यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव, जैसा मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि जो पद उपसर्ग से शुरुआत हो उन्हें हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे यथासंभव, यथाशक्ति, प्रतिदिन, ये सारे हमारे उपसर्ग से शुरुआत हुई है, तो ये हमारे अव्ययी समास हुए। नेक्स्ट, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो पदबंध हमारे तीन प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद हमारे चार हैं। नेक्स्ट, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से हमारे शब्दों के भेद हैं तीन। नेक्स्ट, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? ये हो हमारे आठ, विकारी और अविकारी शब्दों के भेद आठ हैं। नेक्स्ट, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? पेड़ से फल गिरा, यानी कि पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल अलग हुआ, तो जहां अलगाववाद होता है वहां हमारा अपादान कारक की विभक्ति आती है, तो यहाँ ये हमारा से आपादान कारक हुआ, तो पेड़ से फल गिरा यानी आपादान कारक। नेक्स्ट, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? पिछले प्रश्न में जैसा कि था पेड़ से फल गिरा, वहां पर भी से था और यहाँ पर भी से है, पर वहां अलगाववाद था, पेड़ से फल अलग हो रहा था, यहाँ पर वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है, यानी कि यहाँ हमारा जो से का कार्य करेगा वो एक साधन के रूप में कार्य करेगा, यानी कि कुल्हाड़ी है तभी पेड़ काट रहा है, तो कुल्हाड़ी से, तो ये हमारा करण कारक होगा। नेक्स्ट है, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो माँ ने बच्चे को सुलाया, यानी तो यह हमारी कर्म कारक विभक्ति हुई। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जैसे कहते हैं ना, बालक का बालिका, पुरुष का महिला, वहां उसी तरह महाशय का स्त्रीलिंग महाशया हुआ, क्या होगा? महाशया।
नेक्स्ट है नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेता शब्द का स्त्रीलिंग नेत्री होगा, ना कि नेताइन। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप दात्री। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग इंद्राणी। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? समुच्चय का संधि विच्छेद सम धन उत धन चय, जो हमारा मिलके बनेगा समुच्चय। इसे हम अलग अलग टॉपिक में उठा करके वीडियो बना के आपको पढ़ा देंगे ताकि आपको बहुत आसानी से क्लियर हो। अभी ये हमारे वन लाइनर प्रश्न हैं तो इन्हें आप एक रिवीजन के तौर पे पढ़ते जाइए। ये हमारे सारे ही पिछले प्रश्नों पे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट है क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है? तो क्या आप जा रहे हैं यानी हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं क्या क्या आप जा रहे हैं, तो ये हमारा प्रश्न बोधक हुआ कि हम पूछ रहे हैं सामने वाले से क्या आप जा रहे हैं, तो ये हमारा हुआ प्रश्न बोधक। नेक्स्ट काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? तो इसमें हुआ विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट पशु हित पक्षी ही अपना समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? इस वाक्य को पढ़ते पशु हित पक्षी ही अपना समझते हैं, तो अगर हम इसमें ही हटा दें तो क्या पढ़ेंगे? पशु हित पक्षी अपना समझते हैं। इस वाक्य में कोई भी हम बल नहीं लग रहा है, पर अगर हम पशु हित पक्षी ही अपना समझते हैं तो ही से हमारे इस वाक्य में बल पड़ रहा है कि वह अपना ही समझते हैं, तो ये हमारा बलदायक निपात हुआ कि पशु हित पक्षी ही अपना समझते हैं। निपात कितने प्रकार के होते हैं? तो निपात हमारे 9 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। अब हमारे यहाँ पर कुछ प्रश्न वाक्य शब्द के लिए एक शब्द आएंगे, तो व्याकरण जानने वाला व्याकरण कहलाता है। नेक्स्ट गाल बजाना का अर्थ है डींगे हांकना, जैसे नहीं कहते वो गाल बजा रहा है सिर्फ, यानी वो डींगे हांक रहा है, करेगा कुछ नहीं। अगर करना का अर्थ है, अगर करना का अर्थ है मगर, जैसे नहीं कहते हैं अगर ये होगा तो ये करेंगे, यानी कि बहाने बनाना, अगर मगर करना, जैसे नहीं कहते अगर मगर कर रहे हो। नेक्स्ट दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम दयानंद, तो ये हमारी हो जाएगी दीर्घ संधि। कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम है, इसमें भी हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है सन्मति का सही संधि विच्छेद है, सन्मति का संधि विच्छेद सत्य धन मति बराबर सन्मति। नेक्स्ट इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इत्यादि, इति धन आदि, इत्यादि का संधि विच्छेद हुआ इति धन आदि। नेक्स्ट अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध हमारा नाक और मुंह दोनों से होता है। जब भी हम अनुनासिक वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक और मुंह दोनों से ही हवा
बाहर निकलती है, जिसे हम अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक वर्ण होते हैं जो हमारे सारे पंचमाचय अड़ा अंगा इया लड़ा ना मा, ये हमारे सारे हुए अनुनासिक। नेक्स्ट, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे मैंने बताया वर्ग के सारे पंचमाक्षर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11, आ से आहा तक। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो यानी अभूतपूर्व, जो भूतकाल में कभी भी ना हुआ हो अभूतपूर्व। जो कहा ना जा सके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जो कहा ना जा सके अकथनीय यानी जो कहा ना जा सके। नेक्स्ट, समय की दृष्टि से अनुकूल, जो हमारा समय की दृष्टि से अनुकूल है कि इस समय यह कार्य करना उचित है, या तो उसे हम समयानुकूल कहेंगे, जो हमारा समय के अनुकूल होगा उसे हम समयानुकूल कहेंगे। नेक्स्ट, जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन सुंदर है लंबी है उसे हम क्या कहेंगे? सुग्रीव, यानी सुंदर गर्दन वाला, सुंदर गर्दन वाला सुग्रीव। नेक्स्ट, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण कहलाती है। किसी भी कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को हम नवीनीकरण कहेंगे। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में जो आग लगती है उसे हम दवानल कहते हैं, जिसे जंगल में लगने वाली आग को दवानल। प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला यानी हम जब किसी से प्रश्न करते हैं तो उसके उत्तर की अपेक्षा तो करते ही करते हैं, तो उससे उत्तरापेक्षी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो इसे आप पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक पे बात करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तो अच्छा। धन्यवाद।